वंदन। आज हम शेमुषि प्रथमो भाव नवम कक्षाया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है कल्प वृक्ष, कामनाओं की पूर्ति करने वाला और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष। आज हम इसी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पाठ चतुर्थ बेताल पंचविंशति से संकलित है। कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, और ये कथा यानी ये कथा। प्रस्तुतो अयम पाठः बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। अत्र मनोरज्जक घटनाभिः विस्मयक परिघटना विश्य जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्य कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचति, अपितु सः सांसारिक कार्याणां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचति। यतो हितलोक भोग्यः भौतिक पदार्थः जल तरंगवत् अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्त्वम् अस्ति। अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत यह पाठ जो है काल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित है। इसमें मनोरंजक और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण है। इस कथा में पूर्व के समय से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मानता है। जो जीमूत वाहन है वह लौकिक पदार्थों को नहीं मानता, बल्कि वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए क्या मानता है, वरदान मानता है। क्योंकि संसार के भोग भौतिक पदार्थ पानी की लहर के समान स्थिर ना रहने वाले हैं। इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट और सदा स्थिर रहने वाला तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आंगन में लगा हुआ है वह है कल्प वृक्ष, ठीक है ना। और जो जीवित बाहर है वह हमेशा मतलब सभी के लिए अच्छी शुभकामना करने वाले, उससे कि सब प्राणियों का संसार के सभी प्राणियों का क्या हो, भला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र, तस्य सालो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। कंचनपुर नाम का नगर, तत्र जीवूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागता कल्पतरु स्थिता। स राजा जीमूत केतु तं कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात् चा बोधि सत्वांश चंभवम् जीमूत वाहनम नाम पुत्र प्राप्नोत्। स जीमूत वाहना महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी चा अवत। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिव वैश्य प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त योगनं तं योगराज्ये अभिषिक्तवान्। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः योगराज्ये स्थितं तं जीमूत वाहनं उक्तवन्तः। क्या कहा, युवराज योयम सर्व कामात्मकामदः कल्प तरु तवो ध्वाने तिष्ठति सा तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते चक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। चलिए आगे समझते हैं इसको। आप यहाँ थोड़ा शब्दार्थ समझिए। हिमान यानी हिमालय, नगेंद्र पर्वतों का राजा, नगेंद्र पर्वत राजा, सानो शिखर के यानी चोट।
ऊपरी यानी शिखर से ऊपरी ऊपर या पर ऊपरी भागे विभाति सुशोभित होता है। विराजते फिर है सीमान श्रीमान शोभा संबंध शोभा संबंध। विद्याधर पति यानी विद्याधरों यानी एक प्रकार की देवताओं की योनि का राजा विद्याधराणाम राजा। ब्रह्मोद्यानी घर के उद्यान में ब्रह्मा ने घर उद्यान अनुद्यान बगीचा उद्यान कुल क्रमागत कुल परंपरा से प्राप्त हुआ कुल क्रमाद आगत कुल परंपराया संप्राप्त। आराध्य ने आराधना पूजा करके पूजित्वा प्रसादात यानी कृपा से कृपाया संभव उत्पन्न या उत्पन्न स्वा यानी अपने यानी निज सचिव मंत्रियों के द्वारा आद अमात्यैन यो राज्य युवराज के पद पर युवराज पदे उक्त मंत्र बोले अकथय है ना योयम जो यह यह अयम सर्व कामदा यानी सभी कामनाओं को पूरा करने वाला सर्व कामना पूर्ण कर तवो उद्यान है तुम्हारे उद्यान में तब उपनव जो दिया है ना बने उपमले शक्रोपि इंद्र भी यानी इंद्र इंद्र अपि शतुया यानी सत्ता सक्ष्मः अस्ति। अब यहां से थोड़ा इसका अनुवाद समझते हैं ध्यान से समझिएगा। सभी रत्नों का स्थान भूमि हिमालय नामक पर्वतों का राजा है यानी सभी रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। उसके शिखर शिखर होता है चोटी पर कंचनपुर नगर सुशोभित था। कौन सा नगर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। वहां जीमूत केतु यह श्रीमान विद्या धरो यानी एक प्रकार की देवताओं की योनि के राजा रहता था। उसके घर के उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त हुआ क्या स्थित था कल्प वृक्ष। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना यानी पूजा करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। किस पुत्र को प्राप्त किया जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। वह जो जीमूत वाहन नामक पुत्र था वह कैसा था महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुए राजा ने समय आने पर यानी युवावस्था को प्राप्त किसको उस जीमूत वाहन का युवराज पद पर क्या कर दिया अभिषेक कर दिया। कभी हितैषी पिता के मंत्री युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से बोले क्या बोले युवराज जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में खड़ा है वह तुम्हारे द्वारा सदैव कैसा है पूज्य है। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार से चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां समझिए एतत् आकांड जीमूत वाहनः अचिंत्य अहो ईदृशम् अमरपादं प्राप्यापि पूर्वहि पुरुषः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम् किन्तु केवलं कश्चिद्देव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः तदहम् अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति एवम् अवलोक्य सह पितु अन्तिकम् आगच्छत् आगत्य च सुकुमासीनं पितरं एकान्ते न्यवेदयत् तात् त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरं असद्धनं विजीवत् च
कुशलम एका परोपकारः एवं अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम् यशः प्रसूयते तद् अस्माभिः ईदृशः कर्मतरु किमर्थं रक्ष्यते यस्य पूर्वरयं मम मम इति आग्रहे रक्षिताः ते इदानीं पुत्र गतः तेषां कस्यां कस्यायम् अस्य वा एते तस्मात् परोपकारैक फलसिद्धये त्वा दग्ध्यः इमं कल्पपादुकम् आराध्यामि ऐसा उन्होंने कहा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए इसके शब्दार्थ समझ लीजिए। हमने पढ़ा एतत् आकार यानी है सुनकर एतत् श्रुत्वा अहो अरे खेदम अस्ति ईदृशम यानी इस प्रकार एतादृशम अमर पादुक मने किस वृक्ष को अमर वृक्ष को ठीक है अमरम वृक्षम रूपणाय अभागों के द्वारा या भाग ही नहीं अर्थिता मांगा याचिता तद अहम अस्मात् तो मैं इससे तदन अहम धन अस्मात् तहित अहम एतस्मात् साधनामि यानी पूरा करूंगा पूर्ण करूंगी एवं इस प्रकार का आलोच या विचार करके विचार पितु अंतिकम आगच यानी पिता के पास आया आसीनम यानी बैठे उपविष्टम पितरम एकांत में पिता से एकांत में नैवेद्य तने निवेदन किया निवेदनम अकरो तात पिताजी पिता आशीनम सही के साथ साथ चरी पर्यंतम विजिवत यानी लहर तरंग की तरह जल तरंग एक ही प्रसूते देता है या पैदा करता है उत्पन्न करोती ता अदमा भी ईदृशः फिर हमारे द्वारा ऐसे एतेन कारणेन वयम् एवम् आग्रहेण यानी दृढ़ता के साथ दृढ़तया इदानीं इस समय वर्तमान समय पादपम यानी वृक्ष को वृक्षम आराधो यामी आराधना करता हूँ यानी पूज्यामि अनुवाद समझिए। देखिए यहाँ पर यह सुनकर जीमूत महान ने सोचा अरे खेद है जो वृक्ष उनके आंगन में लगा हुआ था उसके विषय में वो सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे खेद इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वज ने वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया किंतु केवल कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा तुच्छ धन मांगा मैं तो इस कल्प वृक्ष से मन चाहे को पूरा करूंगा जो मेरे मन में मैं उसको पूरा करूंगा इस प्रकार का विचार करके वो किसके पास जाते हैं पिता के पास आए और आकर के आराम से जो पिता उनके बैठे थे उनसे एकांत में निवेदन करते हैं कि पिताजी आप तो जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर में शरीर के साथ साथ संपूर्ण धन लहर तरंग की तरह चंचल कैसी अस्थिर एक परोपकारी संसार में नष्ट न होने वाला है अनश्वर है जो युगों तक यश को देता है कौन सा है जो संसार में नष्ट न होने वाला है परोपकार। फिर हमारे जो द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जाती है और जिन पूर्वजों के द्वारा इसकी वीरा है इस प्रकार दृढ़ता के साथ जो रक्षा की गई वे अब कहाँ गए उनमें ऐसे तो यह किसका है अथवा इसके वे कौन है इसलिए परोपकार रूपी मात्र फल को प्राप्त करने के लिए आपकी आज्ञा से हमें क्या करूंगा इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ ऐसा उन्होंने कहा। ये समझिए अथ पिता अथ पित्रा तथा इति अभ्यनु ज्ञातः स जीनुत बाहना कल्पतरु उपगम्य उवाच देव त्वया अस स मत्व पूर्व पूर्वाशां अभिष्टाः कामा पूरिता पूरिता तन मैकं कामं पूर्यः यथावद्वी अथ अदृग् ग्राम पश्यामि तथा करोति देव इति एवं वादिनी जीवूत वाहने त्यक्त सत्वया एषो अहम् यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् करो उद्भूतः क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य अव
वर्ष यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत् ततः तस्य जीवोद्वहनस्य सर्व जीवानुकम्पया सर्वत्र यशः प्राप्तम्। शब्दार्थवादी अब मैंने इसके पश्चात यानी तत्पश्चात पिता यानी पिता से जनकेन इति यानी इस प्रकार है ना एवं अभ्यर्थ यनु ज्ञातम यानी अनुमति पाया हुआ अनुमता हुआ उपगम यानी पास जाकर यानी निकट गत्वा उवाच यानी बोला अवगत त्वया तुम्हारे द्वारा तुम फिर दिया है अस्मत् पूर्वेषाम यानी हमारे पूर्वजों की यानी अस्माकं पूर्वजानां कामन यानी इच्छाओं को कामनाओं को मनोकामनाओं को तन मैकम यानी तो मेरी भी तत् मम एकम निर्धनता बिना एवं मैंने ऐसा एतादृशम वाणी यानी कहने पर कथिता यतोऽस्मि जा रहा हूँ गच्छामि वाक यानी वाणी आवाज वाणी तस्मात् उससे करो वृक्ष से वृक्षा उद्भु निकली मैंने निर्गच्छत दिवम यानी स्वर्ग या आकाश या स्वर्ग चल रहा आकाश इस प्रकार से चलिए आगे समझते हैं। इसके पश्चात पिता से वैसा इच्छा अनुसार ही करो की अनुमति पाया हुआ वह जो था जीवूद महान कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला क्या बोला हे देव आपके तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की मन चाहे इच्छाओं को पूरा किया गया है तो मेरी भी एक इच्छा को क्या कर दीजिए पूरा कर दीजिए जिससे इस पृथ्वी यानी संसार को निर्धनता रहित देख सकूं। कोई भी व्यक्ति निर्धन ना रहे हे देव वैसा कुछ कीजिए जीवन वाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा छोड़ा यानी मुक्त किया गया यह मैं जा रहा हूँ और इस प्रकार की आवाज उस वृक्ष से निकली और थोड़ी ही देर उस कल्प वृक्ष ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर उतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा इससे उस जीवन वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने की जो कीर्ति है सब जगह प्रसिद्ध हो गई यानी फिर इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको कल्प वृक्ष के इस पाठ को पढ़ाया और समझाया। आप लोग कॉपी में इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे इसके शब्दार्थों को समझेंगे। धन्यवाद।